एक जलसा था, उस जलसे को रोकना ये एक असदुद्दीन ओवैसी साहब की सोची समझी पॉलिसी है, सोची समझी साजिश है उनकी। मैं वाजे तौर पे कह दूं ये बात, अगर मैं ये बात कह दूं कि कौन सा ऑफिसर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर को जाके कितने बजे मिला, वो यकीनन हम रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर को बताएंगे, बराबर बोलेंगे, वो ऑफिसर का नाम भी बोलेंगे, वो ऑफिसर का मोबाइल नंबर भी बोलेंगे और बोलेंगे उनको कि ये ऑफिसर का आप उस दिन का, उस तारीख का, उस टाइम का लोकेशन चेक करिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पे मिलता। अब मैं नाम नहीं बोलूंगा, समझ जाइए ये बात, वो ऑफिसर को पर्सनली घर पे बुला के बड़े बाजार का जलसा रोकने की बात करना, ये बातें समझ में आती। देखिए मैं मजबूर हूं, हाल ही में रेवंत रेड्डी साहब ने हैदराबाद के तमाम वर्कर्स की एक मीटिंग कॉल की थी, सोशल मीडिया पे बहुत कम चली वो तस्वीर वगैरह, बहुत कम चलाए लोग उन्होंने बुला के, और खुद पर्सनली हम लोगों में ने उसको बहुत कम चलाया, उन लोगों ने उन्होंने सबको बुला के जो है वाजे तौर पे कहा कि बताइए आपके पुराने शहर के क्या क्या तकलीफें हैं। हमने बताया कि साहब पुलिस के जरिए इस तरीके से हमको सताया जाता, जीएचएमसी के जरिए हमको इस तरीके से सताया जाता, बल्कि हमने तमाम लोगों ने इस बात को रखा। रखते रेवंत रेड्डी साहब बोले अभी मैं लंदन जा रहा हूं, मैं लंदन से वापस आने के बाद आप लोगों एक लिस्ट बना के लाके दियो कि कौन से ऑफिसर्स है जो आप लोगों को इनके दबाव में आके हम आप लोगों को सताते, वो एक ऑफिसर्स के नाम बताइए। ये पूरी लिस्ट, ये एक अच्छा काम करे, एमबीटी का जलसा कैंसिल हुआ तो उसमें और चार नामा इजाफा होते, वो लेके जाके रेवंत रेड्डी साहब को देते, और रेवंत रेड्डी साहब हमारा चीफ मिनिस्टर जो है वो कैसा है वो तो पूरी दुनिया जानती है, बराबर उसके ऊपर एक्शन है। मैं पुलिस वालों से भी एक अदबन गुजारिश करता हूं, ये बीआरएस की हुकूमत नहीं है मेरे भाई, और ओएसी साहब हो या एमआईएम हो, ये लोग काम लेके कैसा छोड़ देना इनसे सीखना। बहुत से ऑफिसर जिनकी ताईद में हमेशा रहे लेकिन वो हुकूमत बदलते हैं जैसा दामन झटकते ना वैसा झटक के बाजू से निकल जाते हैं, इससे पहले भी बहुत ऑफिसर्स उनका साथ दिया, आज वो ऑफिसर्स का नामो निशान नहीं है, नामो निशान नहीं है वो ऑफिसर्स का। मैं आप लोगों से भी अदबन गुजारिश करता हूं इनके दबाव में आके नहीं। देखिए क्या फंडामेंटल राइट नहीं है अमजदुल्ला खान को, असदुद्दीन ओवैसी साहब को फंडामेंटल राइट है। आप बताइए पूरे हिंदुस्तान में असदुद्दीन ओवैसी साहब फिर के पूछते मेरा संविधान मुझे हक देता है क्यों मैं इस बात पे बात ना बोलूं, मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हर बार हर जलसे में ठहर के असदुद्दीन ओवैसी साहब जमहूरियत की, फंडामेंटल राइट की, संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते। क्या याखुत्रे के 45,000 वोटरों के नुमाइंदे को फंडामेंटल उसको राइट उसका हक हासिल नहीं है? क्यों, क्या फंडामेंटल राइट अमजदुल्ला खान का नहीं है? 45,000 लोगों ने अमजदुल्ला खान को वोट देके अमजदुल्ला खान को अपना एक नुमाइंदा मुंतखिब किया। हां वो अलग बात है कि 808 वोटों से हारा, वो कैसे हारा कैसा हारा है वो एक अलग गुफ्तगु है, लेकिन 45,000 लोगों ने याखुत्रे के अंदर अमजदुल्ला खान को वोट दिया। इस बात को कबूल करिए आप, अगर अमजदुल्ला खान उन 45,000 लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता है, अगर वो लोग एमबीटी के लोग जो काम किए उनका शुक्रिया अदा अगर अमजदुल्ला खान करना चाहता है तो क्या यह बात गलत है? पुलिस के कुछ ऑफिसर्स को इस्तेमाल कर एमआईएम एक क्या ट्रैफिक जाम का बहाना लगाए बड़े बाजार पे? अरे मैं पैदा हो गया आज मेरी ये उम्र हो गई, मैं बड़ा बाजार पे 1,000 से ज्यादा पब्लिक मीटिंग्स देखा, वहां पर सियासी पॉलिटिकल पब्लिक मीटिंग्स याखुत्रा बड़े बाजार पे मैं देखा, और मेरे कई लोग हैं इसके अंदर याखुत्रे के अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग मेरी बात की गवाही देंगे, हर मरकजी जलसा याखुत्रा बड़ा बाजार पे होता है। मैं आज इतनी उम्र गुजर, मैं कॉरपोरेटर रहा, मैं कई बार इलेक्शन का जो है इंचार्ज, मैं कई पॉलिटिकल परमिशन वहां पर निकाल के दिया, कई बार मैं खुद एमआईएम के जलसों का परमिशन लाया, मेरे खुद के नाम पर लाया, कई पब्लिक मीटिंग्स मैं बड़े बाजार पर करवाया। क्या फंडामेंटल राइट यहां पर बात नहीं होती? क्या कोई अगर हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ अगर बोलना चाहता है तो क्या उसको हक हासिल नहीं है बोलने का? क्यों ना भाई, अरे यही तो मैं कहना चाहता हूं, यही आज जमहूरियत का खतल है, यही है असल बात, यही है। अब क्या चाहते क्या है ये लोग, अमजदुल्ला खान का परमिशन कैंसिल हो जाए ताकि ये एक मुस्लिम जो तबका हमारा है वो भी ये समझे कि नहीं 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 भाई ये लोग एमआईएम के प्रेशर में जो है एमबीटी का जलसा कैंसिल हुए लिहाजा एमबीटी वाले कांग्रेस को गाली दे। ये एक प्लानिंग थी इनकी, सोची समझी, लेकिन वो नहीं कामयाब हुई क्योंकि अमजदुल्ला खान समझदार आदमी है, बात को समझता है। मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए जमहूरियत में सबको हक हासिल है, अगर मैं वीडियो बना के किसी के खिलाफ बोल रहा हूं, अगर कुछ अनपार्लियामेंट्री बोल रहा हूं तो मेरे नाम पर एफआईआर होना चाहिए, मेरे नाम पर केस बुक होना चाहिए, लेकिन मुझे कोई ये
रोक नहीं सकता कि वीडियो बनाने से रोको आप, नहीं बोल सकता मुझे कोई भी। वैसे ही अमजदुल्ला खान को जलसा करने से कोई नहीं रोक सकता। अरे बड़ा बड़ा ट्रैफिक जाम का बहाना लगाते, क्या पहली बार जलसा हो रहा था? यही तो मैं कहना चाहता हूं, जालिम और जालिम तब कहलाता है जब वो जुल्म को अपना हक समझता है। असदुद्दीन अवैसी साहब, आप जुल्म को अपना हक समझ के रोक रहे हैं, मुखालिफत को रोकने के लिए काम की जा रही है। ये आप, आपका वो दौर चले गया। आप याद रख लीजिए, बीआरएस चले गई, आपके मामू की कमर की हड्डी टूट गई, चले गए, बात खत्म। अब कांग्रेस की पार्टी, अरे कांग्रेस है, यहां पर हमको अपनी पार्टी में अपनी बात मनवाने का पूरा हक है। ये बात याद रखिए, हम जाके रेवंत रेड्डी को बोल सकते कि ये काम करो, अगर रेवंत रेड्डी ये काम नहीं करे तो हम जाके हमारे हाईकमान को भी कंप्लेन कर सकते। ये कांग्रेस पार्टी है, यहां ऐसा नहीं है असद साहब को बोल दिया उसके बाद सिर्फ अल्लाह से दुआ कर लेते बैठे, यहां पे वैसा नहीं है। यहां पर वन बाय वन पूरा ऊपर तक है, यहां पे यहां वन से लेकर टेन तक गिनते यहां पे बैठ के, यहां पर ओनली वन का हिस्सा नहीं है। बहरहाल आप लोगों को समझने की जरूरत है। और अमजदुल्ला खान यकीनन वो इलेक्शन हारने के बाद नेहरू का जलसे का एक परमिशन से रुकता, ऐसे दसों जब परमिशन डालता बंदा, हो दसों परमिशन डाल के दसों बार जलसा करता। आप करिए आप, मैं ये वीडियो बनाने का भी मकसद ये है कि आपका जुल्म जाहिर हो आवाम के सामने। अरे हारने के बाद बाल बाल बच गए, 808 वोटों से जीते या खुदपुरा, बाल बाल बच गए, यहां तक पानी आ गया था, जर्रे में डूब गए थे। अरे आवाम नाराज थी आपसे या खुदपुरे की, उसके बावजूद